चना दाल का हलवा बनाने के लिए ये सब सामग्री हमें चाहिए। चना दाल, चीनी, काजू, किशमिश, खोआ, रिफाइन ऑयल या घी। अब हम लोग चना दाल को धोएंगे। इसे सबसे पहले बॉईल किया जाता है। ये रहा पानी। इसे अब इस चना दाल को बॉईल करेंगे हम लोग। आपको बताना भूल गई थी, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है इसे निकाल दिया। अभी मैंने और भी फेंक दिया है, बस लास्ट टाइम है। अभी थोड़ा और पकेगा, बीच बीच में इसको चलाते रहना है। बात कि 1 kg अगर चना दाल है, जरूरी नहीं है कि आप 1/2 kg ही खोआ डालें। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए, 250 ग्राम, 100 ग्राम आप वैसा डाल लें। मैंने यहाँ पे 1/2 kg लिया है, 1 kg चना दाल है। काजू किशमिश आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप जितना चाहें आप कम डालना चाहें डाल सकते हैं। और ये मैंने ये जो ये छोटा किशमिश को ना 2 भाग कर लिया है, क्योंकि जब कतली बनाते हैं फूल जाता है, फूल का बड़ा हो जाता है। इसके लिए मैंने इसे छोटा-छोटा भी नहीं खड़ा भी रखा, 2 तरह का। और चीनी अगर आप हलवा बना रहे हैं तो मीठा आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप कतली बना रहे हैं तो जितना चना दाल रहेगा उतनी ही चीनी रहेगी। जैसे कि मैंने 2 kg चना दाल लिया तो 2 kg ही चीनी रहेगी, आप कम नहीं कर सकते। अगर आप और ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप डाल लीजिएगा, बट 2 kg चना दाल है तो 2 kg। थोड़ा टाइट ही रखना है क्योंकि हम लोग मिक्सर में इसे भूनने वाले हैं। यहाँ पे घर पे हमारा मशीन है, यहाँ पे मशीन है। अगर आपको मशीन में करना है तो थोड़ा इसको और पकने दें। हम लोग मिक्सर में भूना तो ये हमारा गल गया है चना। आप हाथ से अगर टूट जाए, फोर्स ज़्यादा ना लगाना पड़े तो सब्जी हो गई। इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तेज फ्लेम पे इसको पकाना है आपको। अब इसे आप छान लें, ऊपर से भी छन्नी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पानी है तो अम्मी मेरी ऐसे पसा रही है चावल की तरह। बेसन का लड्डू बनाने टाइम बेसन भूनते हैं, आटा भूनते हैं, वैसे कंटिन्यू इसको भूनते रहना है। इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से सड़ जाएगा और जल जाएगा। इसे भूनते रहना है। चना दाल ये ज़्यादा हो गया था, इसे मैंने दो में डिवाइड कर दिया है। अब इसमें चीनी डालेंगे, थोड़ा सा ये फ्राई होना चाहिए। बीच बीच में आपको ऑयल या घी डालते रहना है। अब थोड़ा चीनी मोटा है इसलिए इसको साथ में भूजेंगे थोड़ी देर तक।
ये देखिए इसमें चीनी डाला हुआ है, तो ये जब चीनी साथ में घुलते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, चीनी को पूरा पूरा घुल जाना चाहिए चीनी। इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे सतने लगेगा। आप कभी कम तेज आपको जैसे लगे वैसे करके करिए। देखिए घी डाल रही है, बीच बीच में डालते रहना है, जहाँ लगेगा कि ये सूख रहा है वैसे ही आप घी डाल दें। घी या ऑयल आपको जो ठीक लगे, तो घी पे बना रही हूँ, घर का घी है इसलिए घी में बना रही हूँ। देखें घी कितना हेवी मात्रा में इसमें जाता है। और काजू मैंने धो लिए, काजू को धो दिए, अब इसे दोनों हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे। जब आपको लगे कि चीनी घुल गया है, अगर चीनी लगे कि चीनी अभी है ही खड़ा नहीं घुल रहा है, तो उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दें। अब इसमें खोआ ऐड करेंगे, हाफ हाफ दो जगह है इसलिए हाफ हाफ डिवाइड कर दिए खोआ को। भूजते मुझते जब ये ऐसा हो जाए पूरा पूरा लगेगा कि हल्का गीला जैसा, तो आपका हो गया, अब ये रेडी हो गया। और ये अभी हो रहा है, बस हल्का सा है, ये भी रेडी है, ये हलवा के लिए और वो कतली के लिए। अब ये रेडी हो गया, इसमें कतली काटेंगे और ये रहा घी। अब इसे ग्रीस करेंगे, सबसे पहले ग्रीस करते हैं पूरे प्लेट में, फैलाना है थोड़ा गर्म ही गर्म में। इस तरह से सर प्लेट में फैला लें, याद रखिएगा कि लेयर पतला देना है, मोटा नहीं, ये पतला अच्छा लगता है काजू बर्फी की तरह। अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। देख लें 1 kg चना दाल का कितना हुआ, तो आप ये हाफ है, ये हाफ kg का है और हाफ kg का हलवा है, तो हलवा अलग रखा है हमने। और ये इसका कतली काटना है, देखें घी कितना है हाथ में लग रहा है, ऐसा रहना चाहिए। ये अलग से काजू है डेकोरेट करने के लिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मुझे कैमरे पे तब बोलने अच्छे से नहीं आता है, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। अभी आप इसे जो शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसे कि ये अभी मैंने रेडी किया है, ये बीच में और काजू लगाना है ये सब में, तो आप जिस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये बर्फी शेप में काटे हमने और शेप दे रहे हैं।